दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति कोई एसेट बेचता है और उससे कैपिटल गेन होता है और वो अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं भी करता है, तब भी उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54F के अंतर्गत। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सी ए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर के द्वारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी सेल की गई 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा और उसके बाद उसके द्वारा रेजिडेंशियल साइट परचेज कर ली गई और बैलेंस अमाउंट को यूज़ किया गया इस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 3 साल के अंदर उसने ये अमाउंट यूज़ कर लिया। टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई और उसमें इसकी एग्जम्पशन क्लेम की गई, क्योंकि यदि आप कोई एसेट सेल करते हैं और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलती है कैपिटल गेन से। असेसिंग ऑप्शन ने पहले तो असेसमेंट कंप्लीट कर ली सेक्शन 143(3) के अंतर्गत, लेकिन उसके बाद रीअसेसमेंट का नोटिस ओपन कर दिया, ये कहते हुए कि जो बैलेंस अमाउंट है अनयूटिलाइज्ड अमाउंट वो उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं किया था। क्योंकि इनकम टैक्स में यह प्रोविज़न है कि यदि आपका कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रहता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक, तो वो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना होता है। यहाँ पे एसएससी के द्वारा ये अमाउंट जमा नहीं किया गया था, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए यूज़ कर लिया गया था। इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया गया और एसएससी की डिमांड निकाल दी गई और पेनल्टी नोटिस भी जारी किया गया, जिसके बाद के केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि टैक्स पेयर ने सेल कंसीडरेशन या उसका जो प्रपोर्शन है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में नहीं भी जमा किया है तो इससे उसकी जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है वो डिनाई नहीं की जा सकती सेक्शन 54F के अंतर्गत। इस प्रकार जो रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है या जो डिमांड निकाली गई है, पेनल्टी निकाली गई है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस केस में टैक्स पेयर ने अमाउंट को ऑलरेडी यूज़ कर लिया था। ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि कई बार टैक्स पेयर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं करा पाते हैं या भूल जाते हैं, तो उस केस में आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। यदि आप सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं, आपने मेंबर्स ओनली वीडियो एंड केस लॉ के लिए सब्सक्रिप्शन ली है, तो आप कम्युनिटी टैब में जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड भी दिया गया है जजमेंट को ओपन करने के लिए। यदि आप हमारे चैनल के मेंबर नहीं हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप डेली केस लॉ के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ कम्युनिटी टैब के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी ए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।